हेलो कैडेट, वेलकम टू डिमेंशन। सैनिक नवोदय आरएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आप लोगों के डाउट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन बना के आपके पास लेकर के आ रहे हैं। तो वैसे ही आज अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मीटर 1 मिनट फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। टनल की लेंथ बतानी है अगर उसको 1 मिनट में ट्रेन क्रॉस कर रही है और ट्रेन की जो लंबाई है वो 700 मीटर है। चलो तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि AISSE और RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए हमने एक नया बैच बनाया है, फौजी बैच, जिसकी सारी जानकारी आपको एक वीडियो में मिलेगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्या नया हमने किया है, कैसे हमने बच्चे की एक एक प्रॉब्लम को सोच के उसका सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आपका सपना है सैनिक या RMS स्कूल तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा जिसमें पूरी डिटेल है आपकी फौजी बैच के बारे में। मैं और श्रेष्ठ सर आपको इस चैनल में गाइड करते हैं सैनिक स्कूल के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए और RMS के लिए। चलो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी डाउट हम यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन बना करके लाएं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। चलो जल्दी से अपन आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे भैया पहले मानते हैं कि ट्रेन है ना, क्या बोला है, ट्रेन ऑफ 700 मीटर, 700 मीटर की ट्रेन है। अब मान लो एक टनल है, टनल भी तो बोला है ना, ऐसे मान लेते हैं कि भैया एक टनल है, टनल की लंबाई नहीं मालूम, क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ टनल, तो लेट इट बी एक्स। ठीक है, जो बोला है कि ये जो निकालना है उसको मान लिया अपन ने, लेट इट बी एक्स। अभी तो कुछ किया क्या नहीं, क्वेश्चन पढ़ा बस, 700 मीटर की ट्रेन है, एक्स लेंथ की टनल है। अब ये ट्रेन इस टनल को क्रॉस कर रही है 1 मिनट में और किस स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपन को ये लंबाई बतानी है, क्या करें सर, जो जो दिया है पहले उसको अच्छे से लिखते हैं। चलो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। एक काम करते हैं ना, ये मीटर में, एक मिनट में और 1 किलोमीटर पर आवर, सारी यूनिट अलग अलग है तो सबको पहले एक यूनिट करते हैं। याद रखना जब भी क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट दी हो, पहला काम क्या है कैडेट्स, पहला काम है कि सारे यूनिट को सेम करना। तो ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो स्पीड को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी है आपकी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18, 18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दो डाटा जो आपके पास आ गया वो ये है कि स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 60 सेकेंड। अब ट्रेन कितना चली ये निकालते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक अपन ने कुछ किया ही नहीं है, खाली क्वेश्चन लिखा है कि भैया टाइम 60 सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर बस दिमाग क्या लगाना है, जब भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनना कैडेट्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ट्रेन जो है ये पूरे टनल को क्रॉस कब कर लेगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन उठ के यहां से यहां आ जाए, मतलब ऐसे ये पूरी ट्रेन यहां पर आ जाए, चुप चुप गाड़ी 700 मीटर की, मतलब ट्रेन के हर एक पार्ट को देखो उसने कितना चला। अगर ट्रेन के स्टार्टिंग पार्ट को देखोगे तो वो एक्स चला और 700 यहां आ गया ना, तो कितना चला, एक्स प्लस 700। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग क्यों, एंड पॉइंट देखना है, चलो एंड पॉइंट को देखोगे तो वो कितना चला, 700 और एक्स, यहां आ गया ना एंड पॉइंट। तो ट्रेन कितना चली, जब भी आपको बोले ना कि ट्रेन एक सिंगल पोल को क्रॉस करी, मतलब वो एल लेंथ ही चली, बट अगर आपको बोले कि वो टनल या ब्रिज क्रॉस करी, तो उसमें जो टोटल लेंथ जो ट्रेन चली वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल या लेंथ ऑफ ब्रिज। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन चली वो कितना हो गया, 700 प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 700 प्लस एक्स। बस यही समझना था इस क्वेश्चन में बच्चों, आपको बस यही समझना था। खुद सोचो, अगर मैं बोलूं एक पोल को ट्रेन क्रॉस करी, तो यहां से यहां गई तो ट्रेन कितना चली, जितनी उसकी लंबाई है उतना ही, बट अगर एक ब्रिज है या एक टनल है उसको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन कितना चल रही है, तो अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ या टनल की लेंथ। तो अपन ने क्या माना, टनल की लेंथ x और ट्रेन की लेंथ 700, तो टोटल ट्रेन कितना चली, 700 प्लस। अब बस डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, इनके बीच में तो एक रिश्ता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस प्लस टाइम। चलो तो वही कर देते हैं, जल्दी से वही कर देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना दिया है बच्चों, स्पीड दिया है 20, डिस्टेंस कितना 700 प्लस एक्स और टाइम कितना 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। चलो इस 60 को उधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 2 = 1200 = 700 + x। ये 700 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200 - 700 which is equal to 500। कितना इजी आंसर था, डी आ गया, इजी है।
पहले तो क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है? अगर यूनिट अलग अलग है तो यूनिट सेम करो। और बस यहां पर जो समझने का था, जो आपका नया था, जो आपको अभी तक अगर आपने नहीं सुना था, तो बस ये याद रखना, जब भी ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी टनल को क्रॉस कर रही है तो टोटल लंबाई ऐड होगी, ठीक है? दोनों, ट्रेन की भी और ब्रिज की भी या टनल की। और अगर किसी एक पोल को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ टोटल डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। क्लियर हो गया? बस यहीं पर यही समझना था, बाकी तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो तो पता ही है फॉर्मूला, है ना?